थिएटर फर्स्ट ईयर का छात्रों के लिए पढ़ाई है। हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा, हथौड़ा ठोकने, पीटने, किसी तार को स्विच करने के काम में लाया जाता है। या चीपिंग, तार सीधा करना, रिवेटिंग, ये सब साजों के लिए उपयोगी है। हैमर ऐसे दो प्रकार के होते हैं, हैंड हैमर और दूसरा मशीन हैमर। किसी वर्कशॉप में या लोहार अपने कार्य के लिए जो कि हाथ से, जो हैमर हाथ से काम किया जाए उसको हम हैंड हैमर कहते हैं। और पावर हैमर अधिकांशतः बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जॉबों को बनाने के लिए, रोलर तैयार करने के लिए, चदरा तैयार करने के लिए उसके उपयोग में फैक्ट्री में लाया जाता है। यह कास्ट आयरन स्टील, कार्बन स्टील और वुड का बना होता है। इसका हैमर का मुख्य उद्देश्य फोर्जिंग, रिवेटिंग, पंचिंग, चीपिंग एवं तार सीधा करने के लिए किया जाता है। इसके निम्न भाग है, पेन, हैंडल, चीन, फेस, आई। पेन जो है एक बॉल की तरह होता है, जब किसी चीज को गोला बनाना हो उसके लिए एक भाग का इस्तेमाल हम करते हैं। फेस जो है सब जगह चोट पहुंचाने के लिए, समतल बनाने के लिए फेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये हैंडी है, इसको धरकर पकड़कर चोट पहुंचाने के काम में लाया जाता है। आई हैंडल का जो भाग आगे बढ़ने चलता है उसको आई बोलते हैं। बीच में, बीच का भाग को हम चिप करते हैं। एक हैमर का मुख्य भाग है। अब हैमर कितने प्रकार के होते हैं? बॉल पेन हैमर, स्टेट पेन हैमर, क्ला हैमर, क्रॉस पेन हैमर, माइलेट हैमर, स्लैब हैमर, ये सब चीजें, ये सब हैमर जो है कितने प्रकार के हैमर होते हैं। बॉल पेन हैमर जहां पर किसी चीज को समतल बनाना हो या किसी को गोलाकार बनाना हो पीट कर वहां पर किया जाता है। दूसरा है स्टेट पेन हैमर। स्टेट पेन हैमर इसका जो है भी सीधे में होता है और सीधे काम करने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। किसी चीज
कि नली किसी चीज को पकड़ा नली बनाने में लोहे का नली बनाने के काम में उसको फिट करके इस स्लेट हैमर से किया जाता है। माइलेट है